हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो किस किस परिस्थिति में यानी कौन सा कंडीशन में आप एमडीटी नहीं ले सकते हैं। बहुत लोग को कुष्ठ रोग जब हो जाता है तो वो इधर उधर घूमने लगते हैं और सलाह लेने लगते हैं कि कौन सा दवा उनके लिए अच्छा रहेगा, इस बीमारी का उपचार क्या है। पहले तो ध्यान नहीं देते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज। जब चमड़ा सुन्न होता है, जब उनका चमड़ा सुन्न होता है तो उनको लगता नहीं है कि बहुत बीमारी उनको बड़ा हो गया है, और झुनझुनी जब वो केहनी पर मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी आएगा और उनके शरीर में झुनझुनाहट झंझनाहट ऐसे रहता है। लेकिन इसको भी ध्यान में नहीं रखता है लोग कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हुआ है। लेकिन जब सुनबहरी और झुनझुनी आगे चल करके जब नसों का प्रॉब्लम शुरू करता है तब जा करके रोगी को चिंता होने लगती है कि उनको कौन सा बीमारी हो गया है। तो एमडीटी यदि सुनबहरी आप कहते हैं तो सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, उसका वास्तविक नाम कुष्ठ रोग होता है। और कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? चमड़ा का सुन्न हो जाना। क्या? चमड़ा का सुन्न हो जाना। कुष्ठ रोग का खास लक्षण है चमड़ा का सुन्न होना, और जब चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। नाखून भी धीरे धीरे आपका ये काला होने लगता है, नाखून भी मोटा होकर ये खराब होने लगता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है वहाँ का चमड़ा मोटा हो जाता है और आगे चल करके घाव भी बनना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। यदि चेहरे पर कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान को मोटा कर सकता है और गाल के त्वचा को भी मोटा कर सकता है, और आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, और शरीर में बुखार और दाने दाने भी आते हैं और जलन भी रहता है। पैर का एड़ी जो है फटने लगता है, पैर का वो भी फटना देखा जाता है, और शरीर धीरे धीरे इसमें कालापन आने लगता है पूरे चेहरे में, और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं। जवानी में बूढ़े जैसा ही दिखने लगेंगे आप, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कमजोरी और शरीर में कंपन भी आने लगता है, चक्कर भी आने लगता है, और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। खास करके आप तो पहले ही कमज़ोर हैं और एमडीटी चलता है तो और भी कमज़ोर हो जाते हैं, और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। और एक सबसे बड़ा कंडीशन, यदि आपको हेपेटाइटिस लिवर का एक बीमारी है जो वायरल बीमारी है, तो हेपेटाइटिस यदि हो गया है, हेपेटाइटिस ऑस्ट्रेलिया इंटीजन, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, अन्य हेपेटाइटिस हो गया, और खास करके जॉन्डिस, तो उस कंडीशन में इस दवा को लेने पर जाएगा, जान भी जा सकती है। इसलिए अच्छे डॉक्टर जो हैं आपको कभी एमडीटी का प्रयोग कराएंगे ही नहीं, या एमडीटी का प्रयोग आपको भूलकर भी नहीं कराएंगे जब खास करके हेपेटाइटिस हो और आपको लीवर संबंधी बीमारी जॉन्डिस हो। इस दवा लेने के बाद में आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, और लूज मोशन यानी आपको बार बार दस्त लग सकता है, और उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट, और पूरा शरीर आपका काला भी हो सकता है इस दवा के कारण। तो दवा लेने से पहले इसके बारे में जरूर सोचिए, नहीं तो फायदा की जगह पर आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग इसका यूज करते हैं तो ये मंगनी फ्री में सरकारी अस्पताल में मिलता है, तो लोग समझते हैं मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। लेकिन इस दवा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही दवा यूज करनी चाहिए, नहीं तो बीच में जा करके आप फेरे में पड़ सकते हैं।
कि दवा लेने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट की वजह से, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और शरीर में चकते चकते भी निकल सकते हैं, और इस मेडिसिन से MDT से आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है। तो दवा लेने के पहले 100 बार जरूर सोचिए, 100 बार डिस्कस करें, और यदि ये 6 महीने का कोर्स है या साल भर का कोर्स यदि आप ले रहे हैं, तो कई लोगों को 1 साल में जब ठीक नहीं होता है तो इस दवा को 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं होता, 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं होता, 4 साल, 1 साल का ही कोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 साल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी गर्मी है, 1 साल से आप ज़्यादा इसे ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा लेने के बाद में आपको शरीर में भयंकर दर्द और सूजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? भयंकर दर्द और सूजन होने लगेगा। कुष्ठ रोगियों को काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको सुई चुभने जैसा पूरे शरीर में मालूम पड़ता है, पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा मालूम होता है, और मेमोरी पावर जो स्मरण शक्ति है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और यौन क्षमता सेक्स पावर भी आपका लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। सेक्स पावर क्या होगा? लगातार धीरे धीरे घटते जाएगा। सेक्स पावर यानी लगातार धीरे धीरे यौन क्षमता भी घटते जाता है, और तरह तरह के दवाइयां भी लोग लेना शुरू कर देता है। इसमें सभी दवा कारगर नहीं होता है। इसमें आपका नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष की बीमारी, कुष्ठ रोग के साथ साथ स्वप्न दोष की बीमारी भी आपको लग सकती है, पथरी की शिकायत हो सकती है, गिल्टी भी आपको आ सकता है। अब कुष्ठ रोग को थोड़ा ये जांच के लिए क्या करते हैं, कुष्ठ रोग के जांच के लिए स्किन स्मियर टेस्ट कराते हैं, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराते हैं, और फ्री में कैसे जांच करते हैं इसका भी हम लोग थोड़ा जानकारी ले लें। यदि कुष्ठ रोग हो जाएगा तो आपको हाथ से जो कलम आप रख रहे हैं ये भी कलम भी ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यदि आपका ये स्किन हो गया, स्किन में क्या हो गया, जो केस होता है, हेयर होता है, धीरे धीरे झड़ने लगता है और यहाँ से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। जहाँ पर सुनबहरी होता है वहाँ से केस झड़ जाता है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, और जहाँ पर मान लीजिए कि शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा का रंग बदलने लगे और वहाँ चमड़ा मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह और दही के छाली के तरह, यदि चमड़ा वहाँ बदल गया है, मोटा हो गया है, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यदि चमड़ा सुन हो गया है तो वहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तब को मालूम नहीं होगा। जैसे डेड बॉडी, मृत शरीर को अब जलाते हैं तो मालूम नहीं चलता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण आपको हो सकता है, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करेंगे सीमेंट से बचा करके रखनी चाहिए, उसके चलते भी आपको बीमारी हो सकता है। कुपोषण के कारण भी बीमारी आपको हो जाएगा। यदि आपके माता पिता डेथ कर गए हैं या शुरू में आपका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है तो बढ़िया भोजन नहीं ले रहे हैं तभी भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक इलाज आपका बेस्ट है। यदि आप MDT से इलाज करवा रहे हैं, इस दवा से संतुष्ट हैं, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन यदि इस MDT से यदि आप संतुष्ट नहीं है, आपके दवा MDT लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको बीमारी को दिखाने में आसान हो जाए। नोट कीजिए 9801757533 यानी 9807755533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं 707003342 यानी
70 700 343 42 पर आप राय ले सकते हैं, अथवा आप कमेंट में जा करके कमेंट लिखेंगे तो उसमें जवाब के रूप में आपको हम मोबाइल नंबर दे देंगे। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो ऑनलाइन आप चिकित्सा ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार के नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है, और जॉन्डिस हो जाए, चाहे पहले से आपको हेपेटाइटिस हो जाए, तो ये आपको दवा नहीं चलेगा। यदि ये दवा के साइड इफेक्ट कारण मान लीजिए कि आपको जॉन्डिस हो गया तो आपको दवा बीच में रोकनी पड़ती है, पहले जॉन्डिस को ठीक करना पड़ता है तब इसको खिलाया जाता है। और कई मरीज इससे बोलते हैं कि सर क्या MDT ले लूँ या क्या ले लूँ, कौन सा दवा खा लूँ, कहाँ जाऊँ? तो कहीं पर भी जाइएगा, आप साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल या अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा करके आपको MDT का ही दवा दिया जाएगा। घुमा फिरा कर MDT का ही दवा दिया जाएगा, चाहे आपका बीमारी ठीक हो या नहीं हो। कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है, इसलिए हम अपने से बहुत सारे दवाइयों का रिसर्च करते रहते हैं। होम्योपैथिक लक्षण के आधार पर ही दवा चलता है। यदि बीमारी को कंट्रोल करना है, यदि बहुत ज़्यादा घाव होने लगा, उंगली टेढ़ा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल रहता है। इसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको इलाज लेनी पड़ती है लंबे समय तक। कंट्रोल करना अलग बात है और बीमारी को जड़ से ठीक करना अलग बात है। कई लोग वीडियो देख लेते हैं, तुरंत कहते हैं सर कैसे खाना, उनको लगता है यही दवा ले लेने से ठीक हो जाएगा। नहीं, इसका बहुत सारे दवाइयों को चलानी पड़ती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है जो कि असहनीय हो जाता है और सूजन आ जाता है। तो ये सब को ध्यान रख करके इलाज करनी पड़ती है। मेमोरी पावर को भी इसमें जोड़ा जाता है, और कई तरह का लूज मोशन का शिकायत हो गया, खाना नहीं पच रहा है, वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, 60 kg से कम हो गया है। तो ऐसे मरीजों को वजन को रोकने के लिए, जिससे ज़्यादा ड्रॉप न हो, इसके लिए भी दवा आपको चलानी पड़ती है। कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए खान पान पर भी ध्यान देनी पड़ती है, और जो शरीर को थोड़ा स्ट्रांग करे मजबूत करे, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, हरा सब्जी, विटामिन सी युक्त भोजन, और मीट, मछली, अंडा, गर्मी के दिन में न ले, जाड़े के दिनों में ले, यानी संपूर्ण आहार परफेक्ट तरीके से खान पान को हमेशा ध्यान रखें। लहसुन और प्याज का भी सेवन इसमें फायदा करेगा, आपको मना नहीं है। और इस पर किसी तरह का विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको तो इसका हम दे दिए हैं नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये कान मोटा होने लगता है, ये कान जो है धीरे धीरे मोटा होने लगता है, मुंह जो है आपको टेढ़ा कर देगा, मोतियाबिंद, आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाता है, निकल जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। अभी सतीश नवादा जी नवादा के हैं, उनका बिल्कुल बीमारी ठीक हो गया, उनको साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ आपको हम बताते हैं। कोई आपको लेप्रोसी के मरीज को, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये जो चैनल है GSMP क्लिनिक एंड न्यूज, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है। कुष्ठ रोगी से पैसा लेने का तो थोड़ा भी मन नहीं करता है, क्योंकि स्थिति आपका तो आप जानते ही हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार से ले देती है और MDT दवा का खर्च सरकार उठाती है। हम प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं तो इम्प्लाइज हैं, अब सारा दवा इतने हम कहां से हम दे पाएंगे, इसलिए आपसे हमें शुल्क लेनी पड़ती है। तो मजबूरी में हम आपसे दवाइयों का खर्च आपको हमसे लेनी पड़ती है सिस्टम को चलाने के लिए, अन्यथा लेप्रोसी के मरीज जो है इनसे पैसा अंदर से लेने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और कई मरीज बोलते हैं सर लाइव कर दीजिए या नंबर दे दीजिए। आप सभी जानते हैं कि लेप्रोसी का कोई भी मरीज
डायरेक्ट लाइव में आना नहीं चाहते हैं, ना अपना कोई नंबर वंबर जल्दी देना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन छुपाए रखते हैं, उसी तरह सब लोग छुपा के रखना चाहता है। तो इसलिए हम साउंड रिकॉर्ड करके सुनाते हैं और कोई भी जानकारी आपका गुप्त ही रखा जाता है। तो कुष्ठ रोग में लगातार ताकत घटने लगता है और शारीरिक जो क्षमता है जो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है। धूप में कभी नहीं निकलनी चाहिए, धूप में कभी नहीं निकलनी चाहिए। आग के पास में बैठेंगे तो वहाँ जहाँ सुन है चमड़ा, वहाँ फफोला आ जाएगा, वहाँ का चमड़ा जल भी जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसमें इस साबुन जो होता है, साबुन का प्रयोग सोच समझ के करनी चाहिए, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे साबुन का ही आपको प्रयोग करनी चाहिए। ग्लिसरीन युक्त कोई भी साबुन आके मत उसको लगाना शुरू कर दीजिए, इस पार से उस पार। और ये देखिए बहुत सारा साबुन मिल जाएगा कि इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे ही साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। और तेल कुष्ठ रोग में जहाँ जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ पर चार मोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml मिलता है, जो कि काफ़ी महंगा है। यदि ये दवा महंगा लगे तो आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ये भी सब धीरे धीरे सीधा होने लगता है। और जो घाव बन जाता है कुष्ठ रोग का, उसे साधारण घाव न समझे, वो आगे चल करके बहुत आपको स्थिति खराब कर देगा। आपका यदि इस बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं तो हाथ पांव का उंगली भी ड्रॉप हो सकता है। जहाँ जहाँ सुन है यदि छोड़ दीजिएगा तो घाव बनने का खतरा रहता है। यदि किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसको आराम ज़्यादा करने की सलाह दी जाती है, और यौन फिजिकल रिलेशन यानी यौन संबंध आपको नहीं बनानी है, और शादी विवाह करें तो कुष्ठ रोग ठीक होने के बाद ही करना आपके लिए बेटर रहेगा। और ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। साथ में बैठ के खाना खाने से बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। यदि आपको बीमारी हो गया है तो मास्क का प्रयोग करें, गमछे का प्रयोग करें। और इसमें यदि आपको एक आदमी को अगर कुष्ठ रोग हो गया घर में तो सभी लोगों पर ध्यान रखनी चाहिए। कहीं भी त्वचा का रंग बदल रहा है तो उस पर ध्यान रखें, कहीं सुन तो नहीं हो रहा है। यदि सुन है तो निश्चित रूप से कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग का पहचान एक आम आदमी भी कर सकता है, अनपढ़ ही क्यों ना हो। यदि कुष्ठ रोग है, सुन देख लीजिए चमड़ा वहाँ का सुन है कि नहीं, कहीं पर भी कुष्ठ रोग का प्रतिबंध चखता चखता आएगा, लाल लाल चखते करके आते हैं। और बहुत लोग का हाथ पांव का उंगली पतला पतला होने लगता है, टेढ़ा होने लगता है। कई लोग ऑपरेशन कराता है, लेकिन ऑपरेशन से भी ये बीमारी का कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन कराने के बाद भी आपको कोई फायदा नज़र नहीं आता है। तो कुष्ठ रोग के लिए दंत मंजन, यदि दांत पैरिया है तो इसका भी समाधान है, यदि मुँह महक रहा है, एक्स्ट्रा हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कुष्ठ रोग में यदि आपको चमड़ा मोटा हो जाए, काला हो जाए, चमड़ा मोटा काला जरूर देखिए। और कुष्ठ रोग ही नहीं, दुनिया का कोई भी चमड़े का बीमारी है तो होम्योपैथिक इलाज से बेहतरीन हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें अनुभव आपको जरूर रहता है। ये हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो डॉक्टर थे और हमारा कई पीढ़ियों का अनुभव आ रहा है। यदि हम इस पीढ़ी में अपने से इलाज यदि हमको करना होता तो हम नहीं सीख पाते, ये हमारा वंशानुगत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा का बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और लोकल फॉर वोकल कहते हैं, यानी हम ही एक दिन प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाएंगे। कोई भी डॉक्टर साधारण ही रहता है, इसलिए लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री जी कहते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। यानी हम लोगों का फार्मूला अन्य के बनिस्पत बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बिना साइड इफेक्ट किए शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए आपके बीमारी को 100% ठीक कर देता है। इस बीमारी में थोड़ा लापरवाही न करें, ज़्यादा दिन कई लोग क्या करते हैं कि सुनते रहते हैं, रोज सुनते हैं,
और बीमारी जब बहुत ज्यादा तंग करने लगता है तब जाके दौड़े दौड़े आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीमारी को जितना जल्द हो सके उतना आपको दिखानी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि बीमारी को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो घाव बनने से पहले उपचार हो जाए तो अच्छा रहेगा। चमड़ा जब सुन हो, हाथ पांव का उंगली जब टेढ़ा हो, उससे पहले भी इलाज हो जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो हमरा आप इंडिया से देख रहे हैं चैनल को या इंडिया से बाहर, जरूर इसको कमेंट करके आप लिखिएगा। और कई नेपाल में भी बहुत ज़्यादा मरीज हमारा सर्विस ले रहे हैं विदेश में, और सऊदी अरब में तो कितना, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बहुत सारा देश में रोगी हमारा है, सलाह लेते हैं, और पूरे इंडिया में। हमें खुशी है कि आप लोग जो काम हमें दिए हैं उसको हम कर पा रहे हैं, और दिन और रात दोनों मेहनत करते हैं। कुष्ठ रोगी अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं, वो जान चुके हैं कि दुनिया में उनको लिए ज़्यादातर गरीबों के होता है ये बीमारी, इसलिए इस पर किसी का ज़्यादा फोकस नहीं है। बस MDT यही खाओ, कुछ भी हो जाइए, इसी को दिया जाता है। तो MDT से संतुष्ट नहीं है, ये दवा लेना नहीं चाहते हैं, तो आप नई खोज नई रिसर्च दवा खाइए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग लक्षण इसका जानेंगे, कुष्ठ रोग का। बहुत लोग को तो पता नहीं है कि उनको लेप्रोसी की बीमारी है, 15-15 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी उनको पता नहीं था कि उनको लेप्रोसी की बीमारी है। तो कुष्ठ रोगी अपने दम पर और रिसर्च हमसे करवा रहे हैं, और मैं आने वाले पीढ़ी को, यानी हमारा बेटा भी यही काम करे, ऐसी मेरा इच्छा है। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा भला होगा। तो आप जो हम पर विश्वास किए हैं, तो जरूर हम विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज बहुत ज़्यादा हम पर आशा कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहन काफ़ी देते हैं, ताकि हम उनको नई नई दवाइयाँ रिसर्च करके दें और उनका बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।